ये हमारा दोबारा ये चिकन प्लेटर है। अच्छा, ठीक है, इसके अंदर ये फ्राइज है और ऑल सिक्स पीसेज है हमारे इसके अंदर। तो मैंने पहली दफ़ा ही देखी है अरेबिक चीज़ें, अरेबिक खाने, तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये किस चीज़ से बनता है? ये चिकन मिदाल और चना की बनती है और इसके साथ पेपरॉन इसमें डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आपका भाई ज़रा दोबारा से लाहौर की सड़कों पे निकला है और इस टाइम हम लोग मौजूद हैं DHA लाहौर में। हम लोगों ने काफ़ी पहले DHA की एक वीडियो बनाई थी जिसमें DHA के देसी नाश्ते दिखाए थे, तो काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि यार DHA में कोई अच्छी चीज़ दिखाओ। तो आपका भाई यार DHA आ गया। मेरे साथ हुरैरा है और उसके साथ मौज़म भी है, ये दोनों भाई हैं और हम तीनों कज़न हैं, ठीक है। और है लगते नहीं है, लगते नहीं, क्यों नहीं लगते, हम तो लगते हैं। अच्छा, आज का जो सीन है बड़ा मजे का होगा। तेरी दाढ़ी है, कहाँ दिक्कत है, अल्लाह तेरी सेहत ऐसी है। चलो तुम मेरा अच्छा ये होता लड़ना बाद में। मेरे पीछे आपको जेदी नजर आ रहा होगा, DHA की मोस्ट आइकॉनिक जगह जहाँ पे सारे लड़के लुड़के आते हैं, फुल ऑन यहाँ पे सीन चलते हैं। तो DHA में हम लोग आज ट्राई करेंगे एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़, एक अरेबिक शवारमा। बहुत वैसे तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि भाई ख़त्म ही नहीं होते। लाइक जितना मर्जी आप विज़िट कर लो, घूमो फिरो, खाना शाना खाओ, लेकिन रेस्टोरेंट्स यहाँ पे ख़त्म नहीं होते, एक से एक भर के हैं। लेकिन आज हम लोग ट्राई करेंगे एक अरेबिक शवारमा, जो कि एक बड़ी कमाल की चीज़ है, बड़ी एक यूनिक चीज़ है जो कि लाहौर में इंट्रोड्यूस हुई है। तो चलते हैं फिलहाल, सबसे पहले हम लोग रिसेंटली खुला है लेकिन एक अच्छी जगह। तो आज का सीन मतलब कि ये होगा कि थोड़ा सा फ़ास्ट फूड टाइप ज़रा हम वीडियो करेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी वो कर लिए देसी खाने शाने। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले वो एक शवारमा खाते हैं, उसके बाद आगे ज़रा स्ट्रीट फूड कवर करते हैं। आ जाओ या शाम को आ जाओ, जेती पे आपको एनी टाइम रश मिलेगा, जब मर्जी आओ। और यहाँ का पान सबसे फेमस है, जो लोग यहाँ पे स्पेशल खाने आते हैं। हुरैरा तूने खाया कभी पान जेती का? जी भाई मैंने खाया है, यहाँ सारी रात 3-4 बजे तक सारे रेस्टोरेंट ओपन रहते हैं। हाँ, काफी रौनक लगी रहती है। ये यहाँ पे हम खेलते हैं ये वाहिद जगह है कि लाइक यहाँ पे 3-4 बजे तक रेस्टोरेंट खुले होते हैं, जो सारी रात रौनक लगी रहती है, फुल रौनक वाला सीन है। वैसे आपस की बात है, मैंने कभी पान खाया नहीं है क्योंकि मुझे ना अजीब लगता है थोड़ा। मैंने भी नहीं खाया, मैंने भी कभी पान नहीं खाया। हुरैरा ने इनका मीठा पान खाया हुआ है, तो मैं खाऊंगा अभी नहीं। वैसे अगर आप लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स करवा देंगे, अल्लाह माफ करे, 10,000 सब्सक्राइबर्स करवा देंगे तो फिर मैं पान खाऊंगा। हाँ ठीक है, बोतल के साथ पान डन करो, डिप करके। हाँ ओके करो, अभी फिलहाल चलते हैं अपने स्पॉट पर। DHA की जो फूड स्ट्रीट है ना, वो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे जाकिर टिक्का, तंदूर रेस्टोरेंट, बट कढ़ाई, ये पूरे लाइन से रेस्टोरेंट्स चलते हैं और बड़े ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो यहाँ के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वो सामने कराची बारबेक्यू है, जो कि एक बहुत मज़े की जगह है, और आगे वो बॉम्बे चपाती वगैरह हर चीज़ है यार यहाँ पे। यहाँ पे इस लेन में भी रेस्टोरेंट है सारे, पिछली लेन में भी सारे, और आसपास जितनी लेन है ना, उसमें स्ट्रीट फूड हेवन है। और ज़रा अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं, मतलब कि ज़रा इंग्लिश कैफे टाइप भी है, लेकिन मोस्टली एच ब्लॉक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादातर स्ट्रीट फूड और ज़रा देसी खाने आपको मिलते हैं, फूड चाइनीज अरेबिक हर चीज़ मिलेगी। और जो DHA का वाई ब्लॉक है, वहाँ पर ज़रा आपको थोड़ा सा इलीट टच मिलेगा, ज़रा इंग्लिश कैफे टाइप मिलेंगे। ये पूरा एरिया देसी वाला है, ज़्यादा बातें हो गई हैं, हम चलते हैं अपने स्पॉट की तरफ। फूड बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा। DHA का रश ऑन टॉप और हमारा जो स्पॉट है वो बिल्कुल हमारे सामने आ गया। और यहाँ पे आप ओहो क्या हो गया लोगों को, यहाँ पे आप चलते आओ ना, चलते कह रहे हो, गाड़ी पे आओ तो ये सब लोग खड़े हैं, आपको अपने अपने रेस्टोरेंट का पंपलेट देते हैं कि हमारे पास आ जाओ। बड़ा यार मज़ेदार सा सीन होता है यहाँ पे भी। हमारा जो आज का DHA में सबसे पहला स्पॉट है वो है अल लफा अरेबिक रेस्टोरेंट। यहाँ पे अरेबिक शवारमे मिलते हैं आपको और एक बड़ा मज़ेदार सा माहौल बना है यहाँ पे। यहाँ की सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे जो शेफ़ हैं वो अरेबिक है मेरा ख्याल है, या किसी कंट्री से हैं, मतलब कि बाहर के हैं। और बड़ा ज़बरदस्त सीन है, बड़े यूनिक तरीके से शवारमे बन रहे हैं, काफ़ी अच्छा सीन है। चलते हैं ज़रा सबसे पहले हम लोग इनका शवारमा चेक करते हैं। खाने का दिल ही था कर रहा। हाँ तो अरेबिक ज़रा लाइट, हाँ तो वो ज़रा मज़ेदार सीन हो जाएगा। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया वैसे ना, रात का टाइम है और अच्छा मौसम है भाई। जिधर भी जाए सबसे पहले किचन रेड है, और अभी हम लोग किचन में जा रहे हैं। एक अच्छा माहौल बनाया यहाँ पे, सिटिंग की जगह नहीं है लेकिन बाहर थोड़े बहुत इन्होंने टेबल लगाए हैं, अब आप बैठ के खा सकते हैं। और ये देखें, ये इनकी एक भट्टी स्टाइल बना हुआ है। इधर क्या बनता है?
यहाँ पे क्या बनता है, क्या खुबस? अच्छा, खुबस भी एक अरेबिक डिश है, तो यहाँ पे वो बनती है। अभी फिलहाल यहाँ पे बन नहीं रही, तो ज़रा अगर बनेगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल ज़रा हम लोग किचन की तरफ चलते हैं। चले भाई, हम लोग किचन में आ गए हैं। और ये सबसे पहले ये बताएं क्या बन, ये हमारे फ्लाफिल हैं, फ्लाफिल रोल से बोलते हैं। हाँ, तो ये रोल बनेगा इसका? जी, रोल बनेंगे ये। फ्लाफिल एक अरेबिक डिश है, तो मैंने पहली दफ़े देखी है अरेबिक चीज़ें, अरेबिक खाने, तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये किस चीज़ से बनता है? ये चिकन दाल और चना की बनती है, और इसके साथ पेपरॉन इसमें डालते हैं। सही हो गया, ज़बरदस्त, बड़ी एक मज़ेदार चीज़ लग रही है। तो ये किस चीज़ के साथ सर्व करते हैं? सर, ये हमारा रोल भी जाता है, फ्लाफिल पीस भी जाते हैं इसमें। हाँ हाँ, सही, वो टिकियाँ बन जाती जी, वो टिकियाँ बनती हैं। सही, ज़बरदस्त। अभी आगे चलते हैं, फ्लाफिल बने भी हुए हैं, वो भी आपको चेक करवाते हैं। सर, ये हमारे फ्लाफिल हैं, फ्लाफिल जिसे बोलते हैं, फ्लाफिल रोल हैं ये, इसमें 4 पीस जाते हैं फ्लाफिल के। अच्छा, ज़बरदस्त। और ये हमारी फ्राइज, अब ताता फ्राइज है इसका, ताता फ्राइज बोलते हैं इसे। फ्लाफिल भी फ्राई होते हैं? जी, ये फ्राई होते हैं, हाफ डन होते हैं ये। हाँ, ज़बरदस्त। ये हमारा सैनियन का मसाला है, ये चाइनीज़ मसाला हमारे पास। अच्छा, ये बाइट से बोर्ड होता है हमारे मसाला। ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छा। यस, यूनिक चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है। 4 महीने हो गए मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए, ऐसा मैंने अभी तक सीन नहीं देखा। और मेन जो इनका सारा सीन है वो यहाँ आगे चलते हैं, तो वहाँ पे चलते हैं हम आ जाए। ओहो, ज़बरदस्त। ये चिकन है जी? ये सर, ये बीफ है हमारा। अच्छा, ये बीफ है, और कैसा जूसी बीफ है, इंतहाई जूसी, और इसकी वो ऐसे स्ट्रिप्स कटती हैं। यस सर, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये प्योर अरेबिक स्टाइल, तुर्की में भी ऐसे चलती है, वहाँ पे भी उनका जो टर्की डोनर होते हैं, मीट डोनर, वो बहुत बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। तो उसी तरह ज़रा फुल जूसी बीफ है। ओह यार, ज़बरदस्त। और आगे हमारा दोबारा ये चिकन प्लेटर है। अच्छा, ठीक है, इसके अंदर ये फ्राइज है और ऑल 6 पीसेज है हमारे इसके अंदर। हाँ, ये देखें, ये लर देखें, ये इसकी ज़बरदस्त, ये लॉन्ग चिकन है, बहुत अच्छी क्वालिटी है और बड़ा अच्छा लग रहा है यार, ज़बरदस्त। ये इसकी क्या प्राइस है इस बॉक्स की? सर, इसकी प्राइस है 2200 जी। सही हो गया। और यहाँ पे ये चिकन है जी? सर, ये चिकन है हमारा फुल मसालेदार, ज़बरदस्त। इसको ज़रा ओपन करें, वाह भाई वाह, चेक करो ज़रा, अरेबिक डिशेज इन लाहौर। ओहो, और फुल मसालेदार चिकन है, जूसी, और जब ये इनके रोल में आता है तो मैं कहता हूँ कमाल हो जाता है। यहाँ पे इनका बन रहा है ब्रोस्ट, ये सिंपल ब्रोस्ट है? यस, ये सिंपल, इसमें क्रम्स हो रहे हैं, ये क्रम्स बन जाएंगे ये ब्रोस्ट। ये इंजेक्टेड है? जी, ये इंजेक्टेड ब्रोस्ट हमारा। सही हो गया, मतलब ये ब्रोस्ट भी पूरा अरेबिक स्टाइल इंजेक्टेड ब्रोस्ट। ये हमारी सॉस वगैरह ये सब बाइट से आती है, सारा कुछ बाइट से? जी, ये सारा कुछ बाइट से इम्पोर्ट होती है। अलबैक स्टाइल ब्रोस्ट है बेसिकली, ये हम अपने मशीन में लगाएंगे, टाइमर लगाएंगे इसके अंदर। अच्छा, डीप फ्राई होगा? यहाँ पे रोल स्टार्ट हो गए हैं बनने, और ये चिकन रोल बन रहा है जी सर। ये एक चिकन रोल की क्या प्राइस है सर? एक जो लार्ज है वो 650 का है, जो मीडियम है वो 550 का। हाँ, सही हो गया। तो यहाँ फुल जूसी चिकन आ गया इनका, ये बिल्कुल बरीक सी, वो क्या हम अपनी लोकल जबान में कहेंगे उल्टे तवे वाली रोटी जो होती है, बिल्कुल बरीक सी। और अरेबिक रोल में यही वाली रोटी यूज़ करते हैं ये लोग, ज़बरदस्त यार। सर, ये हमारी स्पेशल गार्लिक सॉस, ये हम खुद बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये हम इसमें डालते हैं एक्स्ट्रा जूसी करने के लिए। वो चिकन ऑलरेडी बहुत जूसी है जी, ये चलते ये असल गेम उठाएगी जी, ज़बरदस्त। ये इसके बाद हम चिली सॉस डालते हैं, ये चिली सॉस है सर, ये भी हम खुद बनाते हैं। इसके बाद हम इसे रैप करते हैं, फिर ये रेडी है, उसके बाद बस ये टोस्ट होता है। हाँ हाँ, पोर्ट प्लेट पे हम इसे ले आते हैं। ये मीडियम
वन मंथ हुए और लेकिन यहाँ पे जो आवाम का रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। लाइक इतने ऑर्डर आ रहे हैं, इतने ऑर्डर आ रहे हैं, मैं कहता हूँ कमाल हो गया। और मैं देखा खाना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, हर चीज़ टॉप क्लास है। और सबसे अच्छी बात कि इनका जो शेफ़ है वो सीरियन है, तो उसका वो जो मतलब कि बिल्कुल एक ओरिजिनल टेस्ट है, तो एक ज़बरदस्त चीज़ है। तो हम लोगों ने इनका चिकन रैप ऑर्डर कर लिया और साथ बीफ भी और साथ फलाफल भी, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें काफ़ी होंगी यहाँ का जायका जस्टिफाई करने के लिए। चले भाई, हमारे पास खाना आ गया है जिसमें हमारे पास सबसे पहले है इनका बीफ रोल और वहाँ पे है चिकन रोल। और ये बीफ वाले की जो प्राइस है वो 700 है, चिकन वाले की है 650, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इसको हम लोग शुरू करते हैं। मैंने अंदर जिस तरह इसको बनते देखा है, यकीन करो मैं फ़ैन हो गया हूँ। ज़बरदस्त था, ऐसे जूसी मीट। और अच्छा, इनके इसके अंदर इन्होंने वेजिटेबल्स ऐड की हुई हैं। एक मिनट ज़रा इसको पूरा खोल लेते हैं। ये पिंक पिंक है, ये गुलाबी है। काफ़ी वेजिटेबल्स इन्होंने ऐड की हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। ओए होए 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 भाई, क्या टेस्ट है, ज़बरदस्त यार। इंतहाई जूसी और ज़बरदस्त, प्रॉपर बीफ का फ्लेवर है, कोई मसाला नहीं, क्योंकि अरेबिक फूड वैसे ही बिल्कुल स्पाइसेस के बगैर होती है। ज़बरदस्त टॉप क्लास, ट्राई कर, बहुत अच्छा। मैं चिकन वाले की तरफ आता हूँ यार, ये वाकई बहुत अच्छा है। चिकन है, बीफ है? नहीं, दोनों बीफ है और दोनों बीफ है। दिस इज टू गुड, ये पकड़ ट्राई कर। बिस्मिल्लाह, हम लोग ज़रा चिकन वाला भी ट्राई करें। अच्छा, वैसे 650 के हिसाब से देखा जाए तो साइज़ थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, लेकिन एक यूनिक चीज़ आपको मिल रही है। लार्ज या स्मॉल है? लार्ज। ओहो, यार चिकन वाला उससे भी ज़्यादा मज़े का। बीफ में वाकई में मुझे इतना अच्छा लगा, लेकिन चिकन ज़्यादा मज़े का। चिकन बहुत अच्छा है, है सेम ही, बस फर्क ये इसमें बीफ है। नहीं, मैं बताता हूँ, बीफ बिल्कुल माइल्ड है, बिल्कुल माइल्ड। चिकन में हल्का सा एक फ्लेवर है जो बहुत अच्छा है। ये इन्होंने सॉस भी दी है, हमने सॉस को तब से देखा ही नहीं। ओहो भैया, आप बीफ खाओ, मैं चिकन खाऊंगा। हेलो, मैं बीफ खा लेता हूँ। ओहो, ओए होए, यार अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। एक यूनिक चीज़ है, ज़रूर आए ट्राई करें, बहुत मज़े की है। एच ब्लॉक मार्केट में है, ठीक है। अगर आपका स्पाइसी खाने में दिल ना आने कर रहा हो तो ये चीज़ें बेस्ट हैं आप। यार ये सॉस बहुत अच्छी है, असल गेम सॉस उठा रही है। ओह, एंड पे हमारे पास आ गया एक छोटा सा फलाफल और गर्मा गर्म है, बड़ी यूनिक चीज़ है, पहली दफ़ा मैंने ट्राई करना है। इसके साथ जो उनकी वो तहीनी तहीनियाँ कौन सी सॉस होती है उसके साथ मिला है। ओ, ओ, दोनों रैप से ज़्यादा अच्छा ये है यार, जनरल बहुत मज़ा है। एक बिल्कुल यूनिक टेस्ट है और अंदर से ग्रीन कलर का ये, जैसे उन्होंने बताया इसमें चिकन है और साथ कुछ मसाले हैं। ज़बरदस्त यार, अच्छा है। चले जी, आज का हमारा जो सेकंड स्पॉट है वो है जंबो गायरो क्वेलरी में, एक रेस्टोरेंट है, एक छोटा सा कार्ट है। अभी अभी आए हैं, अभी हमने खाना है। हाँ, तो एक छोटा सा कार्ट है, तो एक अंडर रेटेड जगह है, लेकिन मैंने सुना है, हुरैरा ने मुझे बेसिकली बताया कि यहाँ का एक पॉकेट शवारमा है जो बहुत एक यूनिक है और बड़ा मज़ेदार है। तो मैं फिर आ गया वहाँ से सीधा, मैंने कहा ज़रूर ट्राई करेंगे हम लोग, हमारा काम है अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना। तो अभी सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि इनका पॉकेट शवारमा क्या चीज़ है और फिर आपको बताते हैं। वैसे एक छोटा सा बिल्कुल कार्ट लगा हुआ है और इस टाइम 11:30 हो रहे हैं, तो ऐसा रश नहीं है, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा रश होता है कोई 5-7 बजे तक।
क्या डाला है इस पे? ये पहले आ गया हुम्मस, उसके बाद ये चिली सॉस। हुम्मस डाला है, सही। और ये बन के अंदर लगेगा जी, सही। कट करके इसके अंदर फिल करेंगे। जबरदस्त। तो इसको क्या नाम दिया आपने? इसका नाम है पॉकेट शवारमा। वाह भाई वाह, पॉकेट शवारमा। चिकन तो अच्छा लग रहा है वैसे, चलो ट्राई करते हैं। वाह भाई वाह, चेक करो जरा। ओह, ये बस इतना से ऊपर आएगा? यस। सही हो गया। ये चीज वाला अपने है? नहीं यार, चीज वाला खाना। चलो ठीक है, आप दे दो। ओहो, दूसरे में चीज लगा दो। ओह भाई, हमारा पॉकेट शवारमा रेडी हो गया है, बड़े यूनिक तरीके से, बड़ा जबरदस्त। ये हुरैरा ने रेकमेंड की थी जगह, अब ट्राई करते हैं भाई। सही ना ना हुआ फिर देखें, वैसे अलग अच्छा रहे जिस तरह भाई ने बनाया ना, एक बड़ी यूनिक चीज है। हमारा पॉकेट शवारमा आ गया। ओहो, बड़ा यूनिक तरीके से उसने तो खाना भी शुरू कर दिया। चेक करते हैं, मुंह छोटा खोल। जनवन बात है, सच्ची बात, जो हमने रैप खाए थे ना पहले, उससे बहुत अच्छा है। वो तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक बात है कि हमें लाहौरियों को मसालेदार चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो ये मसालेदार है। वो बिल्कुल लाइट था, उसमें खाली मेरा क्या था, नमक हल्का सा, कोई मसाला था। उस हिसाब से ये एक बेटर चीज़ है, वो भी आप लोग खा सकते हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त है। चेक करो ज़रा, क्या कमाल की चीज़ है यार। ऊपर से 300 के, और एक बंदा पेट भर के खा लेगा, ज़बरदस्त। यार एक नहायत मज़ेदार जगह, लेकिन एक अंडररेटेड जगह है यार, इस जगह को थोड़ा सा मिलना चाहिए क्राउड। अच्छा, एक रेस्टोरेंट आप बता रहे थे जौहर टाउन में भी, इनका भाई बता रहे हैं कि जौहर टाउन में इनका एक प्रॉपर रेस्टोरेंट है, जहाँ पे ये लोग बीफ में भी सर्व करते हैं, एक पूरा रेस्टोरेंट है। तो मैं ज़रूर वहाँ पे भी जाऊँगा, वो तो अपने घर के पास है। ये हम क्वेलरी में आए हैं, लेकिन एक अच्छा टेस्ट मिला है यहाँ पे भी, अब वो वाली जगह पे जाके विज़िट करेंगे। ये भाई के पास ब्राउन ब्रेड वाला सैंडविच भी है, शवारमा भी है। ये आप खुद ब्रेड बनाते हैं कि किसी कंपनी की है? किसी कंपनी से हम ले रहे हैं। हाँ, जबरदस्त। हाँ, ये बड़ी एक यूनिक चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको ब्राउन ब्रेड भी मिल रही है, जो बंदे ज़रा डाइटिंग पे हैं। बहुत मज़ा है ये खाने का। मैं इंशाल्लाह जौहर टाउन भी जाऊँगा ज़रूर, वो पूरा इनका रेस्टोरेंट है वो भी कवर करेंगे। फिलहाल ज़रा पेट फुल हो गया हमारा। चले जी, हम लोगों ने खाना शाना खा लिया, एक बड़ी मज़ेदार सी वीडियो हुई। पहले वो अरेबिक रोल, उसके बाद ये भी बड़ी यूनिक चीज़, बड़ी मज़े की चीज़ थी। तो आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। 12 बज गए हैं इस टाइम, और बस सर दर्द हो रहा है, घर जाना है अभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।